हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ। पहले हम आप लोगों को बताएंगे मानचित्र। मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहते हैं। मानचित्र इसको जो है किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसको मप्पा शब्द से दिया गया है। ये मानचित्र जो है लैटिन भाषा के मप्पा शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है कपड़े का रुमाल। मानचित्र जो है लैटिन भाषा के मप्पा शब्द से लिया गया है। मानचित्र जो है, मानचित्र लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के मप्पा शब्द से लिया गया है। मप्पा शब्द से लिया गया। जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कपड़े का रुमाल। जिसका शाब्दिक अर्थ है कपड़े का रुमाल। मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहते हैं। मानचित्र लैटिन भाषा के मप्पा शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है कपड़े का रुमाल। तब मानचित्र में हम बताएंगे आप लोगों को अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, क्या है उनकी संख्या, कितनी है। तो अक्षांश रेखाएं देखिए, अक्षांश रेखाएं इस तरफ से इस तरफ खींची जाती है, पूरब से पश्चिम खींची जाती है। इनकी संख्याएं होती हैं 180। अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180। और देशांतर रेखाओं, ये रेखाएं जो हैं देशांतर, देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो 360 होती है। अक्षांश रेखाएं पड़ी होती और देशांतर रेखाएं खड़ी होती है। ग्लोब पर ऐसे ऐसे खींची जाती है और ये जो रेखाएं इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 180 होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 होती है। तो आगे देखिए, पहले हम राज्यों के नाम बताएंगे आप लोगों को। पहले राज्यों के नाम आप लोग देखिए। पहला देखिए राजस्थान, इधर है राज, इधर राजधानी। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। फिर मणिपुर की राजधानी है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। फिर आगे देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश भोपाल। आगे देखिए पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी है कोलकाता। पांचवा है देखिए असम की राजधानी है दिसपुर। आगे देखिए छठा बिहार की राजधानी है पटना। आगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ।
लखनऊ, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। आगे देखिए, कर्नाटक की राजधानी है बंगलौर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। देखिए पंजाब, जिसको पांच नदियों की भूमि भी कहा जाता है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा इसकी राजधानी भी चंडीगढ़। कर्नाटक, केरल, पंजाब, देखिए गोवा की राजधानी है पणजी, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सिक्किम गंगटोक। आगे देखिए छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला देखिए, झारखंड की राजधानी है रांची, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है इसकी राजधानी है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। आगे देखिए तेलंगाना, इसकी राजधानी है हैदराबाद। आगे देखिए आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आगे देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। आगे देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। आगे देखिए तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, अगला देखिए 25वां है
त्रिपुरा की राजधानी के अंतर्गत तमिलनाडु चेन्नई अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर शब्द देखें गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर जम्मू कश्मीर यह भी गया है, इसकी राजधानी है। श्रीनगर अगला देखिए 28वां है। मिजोरम मिजोरम का है। आइजोल आगे देखिए 29वां मिजोरम का हुआ आइजोल। आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर गुजरात गांधीनगर जम्मू कश्मीर श्रीनगर मिजोरम आइजोल तमिलनाडु चेन्नई जिसपुर पटना लखनऊ भुवनेश्वर और ये हुआ केरल अगला देखिए मेघालय। पहले कुल 29 राज्य थे और ये हमारा जो है जम्मू कश्मीर ये हट गया है। कुल मिलाकर राज्यों की संख्या जो है वह 28 है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान जयपुर नागालैंड कोहिमा मणिपुर इम्फाल मध्य प्रदेश भोपाल पश्चिम बंगाल कोलकाता असम प्रदेशपुर बिहार का पटना उत्तर प्रदेश लखनऊ उड़ीसा भुवनेश्वर उत्तराखंड देहरादून कर्नाटक बंगलोर केरल का तिरुवनंतपुरम पंजाब का चंडीगढ़ हरियाणा का चंडीगढ़ गोवा का पणजी सिक्किम का गंगटोक और छत्तीसगढ़ का है रायपुर महाराष्ट्र मुंबई झारखंड का रांची हिमाचल प्रदेश का शिमला और तेलंगाना का हैदराबाद आंध्र प्रदेश का हैदराबाद और त्रिपुरा का है अगरतला तमिलनाडु चेन्नई अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर गुजरात का गांधीनगर और मिजोरम का आइजोल और मेघालय का शिलांग। ये राज्यों के नाम आप लोग याद करेंगे और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, ये कैसे खींची जाती है, इनकी संख्या कितनी है और मानचित्र किस भाषा का शब्द है, इसको क्या कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। मानचित्र का उपयोग खेतों को मापने के लिए किया जाता है, कहीं आने जाने के लिए उसका मैप बनाया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है कि राज्यों के नाम और जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या याद करिएगा। ये किस प्रकार रहती है ग्लोब पे पड़ी रेखाएं हैं खड़ी रेखाएं हैं इनको आप लोग याद करिएगा। इस वीडियो में इतना, अगले वीडियो में हम उनको मानचित्र भरना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।